हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। वेलकम टू अयान ड्रीम्स व्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं। 1 बजे खाना मैंने बना लिया है। खाने में बनाया है आलू की, मेथी की और गाजर की सब्जी और रोटी और रायता, बूंदी वाला, बूंदी का रायता। और आज है अंकुश की छुट्टी और मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि वो रहता है ना, जब बॉडी साथ नहीं देती है उसकी वजह से नहीं हो पाता है, मेरे से वीडियो नहीं बन पाई। अभी जो भी होगा दिन भर वो मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। और अंकुश आया हुआ है, अंकुश से आपसे मिलवा देती हूँ क्योंकि तो उसकी छुट्टी है आज, तो इसलिए घर पे ही है। तो जो भी होगा आप देखते रहिए। मेरा अंकुश, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या ये हुआ? न्यू ईयर के दिन भी, ये न्यू ईयर के बाद पहली वीडियो है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी उसकी वजह से नहीं बना पा रही थी मैं लेकिन अभी तो। देखो घोड़ी जैसे हो गए, तो अभी से डेली वीडियो आते रहेंगे, है हाँ हाँ डेली, ना? मतलब हफ्ते में मैं 3 वीडियो देने का ट्राई करूंगी। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा तबीयत अभी वैसे भी लूज ही है इसकी वजह से। और ये देख लो अंकुश की आज छुट्टी। और आज मैं पहली वीडियो बना रही हूँ न्यू ईयर की, न्यू ईयर के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर ईयर। और आप सबको बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। ये देखिए अयान, ये हमारा युवा है गया, यू बस अयान दिखता नहीं। हेलो करो, हेलो करो, इसका मोबाइल का टिंटणा बंद करनी, नहीं तो मेरे को कॉपीराइट आ जाता है इसकी वजह बंद कर से। दो टिंटणा। हमेशा ऐसा ही करता है ये, जानबूझ के चलाता है। आयु हाय बोल दो। हाय करो, हाय ए आयु हाय बोल दो, हाय। हाय बोल ना दो, हाय बोल रहा है ना बाय बोल रहा हाय है, बोल दो। खाली हाई फाई कर रहा है। बॉक्सिंग? अभी इसको ओहो, अभी तो पापा ने बॉक्सिंग का मारा भी नहीं है। आए आए आई आए आई मजा, हाय आई आई मजा, हाय ऐसा बोलो। ये पूरे इंडिया को ही प्रमोट करता रहता है हमेशा यही यही। आप देखना कभी कभी कौन सी कई वीडियो में ना इसको यही टी शर्ट मिलेगी। ये रही आलू गोभी और मेथी की सब्जी, और ये रहा बूंदी का रायता, और ये रहा हमारा अयान। अयान को लगी है भूख, अभी अयान को मैं खिला देती हूँ। ओके खाओ खाओ करना ना, खाओ खाओ करना है ना। ओके चलो तो खाओ खाओ करते हैं दोस्तों। शाम को इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना बाहर, अभी बनाने वाली है चाय। चाय के बाद फिर देखते खाने में क्या बनाना है, सोचते हैं खाने में क्या बनाना है। तो अभी जल्दी जल्दी फटाफट चाय बना लेती हूँ। चलिए बनाते हैं चाय। यहाँ पे भी बन रही चाय और यहाँ पे बैठ के चाय देखने मुझे बड़ा मजा आता है। यहाँ पे चुपचाप बैठ जाती हूँ। यहाँ पे ना ठंडी बहुत है क्योंकि ये 7th फ्लोर पे है ना, ठंडी में सबसे ज्यादा ठंडी और गर्मी में सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे ऐसा है। अभी जल्दी जल्दी चाय बन जाती है और फिर चाय पीते हैं, फिर बाद में आगे का काम देखते हैं। Thank you.
हो गया हमारा शाम का नाश्ता। पी लीजिए आप लोग भी। ये देखिए अब ये माँ बेटे दोनों लगे हैं ये जीरा सोडा में डाल। ये मेंटोस लेके आए, वो डाल रहा है। ये कुछ नया जादू कर रहे हैं लोग। ये देखिए कुछ नहीं, ऐसे ही कर करके पूरी मेंटोस बिगाड़ रहे हैं। पूरी मेंटोस खत्म कर दिए। ये देखिए ये हमारा कारीगर है, इसको हम मोबाइल देते हैं ना, मोबाइल पे यूट्यूब पे वो सब देखता रहता है रील, और वही देख के ये चीजें करता है। अयन क्या कर रहे हो आप? अयन अयन क्या कर रहे हो? इसको ऐसा है कि और भी फूलेगा तो और भी इसके अंदर डालो। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ तो नहीं है? तो ऑलरेडी दो डाल चुका है, जो पहले डाली थी उसमें गैस की भी गैस निकल गई। हाँ तो फिर अभी कुछ नहीं होगा उसमें अयन, अब कुछ नहीं होगा। हो गया मेरे से स्पेशल बोल के इसने रोटी बनाई है, और छोटी सी प्लेट और छोटी सी रोटी मेरे अयान की है। अयान तेरे को अच्छा लगा? और बनाए मम्मा? इसको छोटी सी रोटी बनानी थी और ये अभी इसको तीसरी रोटी छोटी वाली बना के दी है, तब ये जाके खा रहा है। और यहाँ पे मैंने रोटी बना दी थी ऑलरेडी, और यहाँ पे देखो इसको छोटी रोटी खानी है। हमारा अयान टेडी बियर को साइकिलिंग करवा रहा है। हैं अयान तू टेडी बियर को साइकिल करवा रहा है? कहाँ लेके जा रहा है इसको, मार्केट? क्या दिलवाएगा, प्लेन में? ओ हो, साइकिल पे जाएगा और प्लेन में जाएगा? चल घुमा ले इसको। हाँ वो मेंढकू को भी घुमा ले, तेरा मेंढकू उधर सोया हुआ है। हाँ वेरी गुड। और रूठ जाएगा फिर, दोनों को साथ में बिठाना। ये देख उसको झुला लिया ना, तो उधर फेंक दिया। अभी इसकी बारी। देखिए अयान ने टेडी बियर भी बिठा लिया और फ्रॉग भी बिठा लिया अयान ने। यू पानी की बोतल लेके रखी है उनके लिए, उनको प्यास लगेगी। ये देखो फिर से। इसकी नौटंकी देख लो, पूरे दिन इनको इधर उधर फेंकता रहता है। ए गिरेगा, लग जाएगी बेटा। वो WWE थोड़ी है, अंकुश WWE देखता है ना, तो इसके वैसे ही कर रहा है अभी। साइकिल उधर से बालकनी में से निकलवा लेता है, लेकिन साइकिल चलाता नहीं है। बस हो गया, हो गया, बस जा अभी, कितना मारेगा इसको। अरे अयान तू सर पे मत मार, पापा को मारना आता तो दिन भी गिर जाएगा धड़ाम से नीचे। कोई नहीं। ये सर में मारेगा, ये देख, वो देखो कोई नहीं, गिरेगा फिर उठेगा फिर चलेगा, है ना बेटा? जब तक गिरेगा नहीं तब तक उठेगा कैसे, और उठेगा नहीं तो फिर सीखेगा कैसे? वो सैटरडे संडे में कभी कभी होता है, सैटरडे हमारे पास होता है कि संडे को अंकुश का मैच चालू रहता है। तो पूरा टाइम आपका मैच में ही निकल जाता है ना। प्रॉब्लम तो ये होता है ना कि वो ऑडियंस भी देखने वाली जो मैच खेल जो मैच खेलने के लिए जो 30-40 टीम आती है ना इनकी, वही ऑडियंस होती है इनके, कोई देखने वाला तो बहुत कम लोग होते हैं। कंपटीशन बड़ा टफ रहता है एकदम, और रोज ट्रॉफी जीत जीत के लाते हैं। हमारा मजाक उड़ा रही है, नहीं जीत रहे। मजाक नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग फाइनल तक पहुंच जाते हो लेकिन फाइनल हार जाते हो, वो उसका प्रॉब्लम है। फाइनल
मतलब सेमीफाइनल में तो जाते हो ना तुम लोग? हाँ, तो फिर फाइनल कब जीतोगे ऐसा? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम में तो 8 साल हो गए, 9 साल होने को गए शादी को, वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही हो रहा है। जीत के लाएगा ना, उस दिन मैं बोलूंगी कि हाँ अभी मैच खेल ले, इसको मैच खेलने का बहुत शौक है, तो मैं चल मैच खेल ले, इसको मैच खिला देते हैं। जीतने का मजा ही कुछ अलग होता है। हाँ, वो हर बार हार होती है ना, उसका मजा अलग नहीं होता है। तो उसका जीत मिलती है उसका मजा अलग होता है। प्रैक्टिस नाम के तो इनके कुछ है नहीं, प्रैक्टिस तो कोई नहीं करता क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं होता, सब ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, सब बिजी शेड्यूल में से बस मैच खेलना है। हाँ, ये होता है कि इनका शौक पूरा हो जाता है। ये रूम में मच्छर वाली लगाते हैं ना मस्कीटोज, तो पता नहीं मस्कीटोज की वजह से मच्छर और आते हैं, सोचने की बात है ना। पता नहीं और जगह नहीं है। मैं क्या शाम, जैसे ही शाम होती है ना, तो मैं गेट मेन गेट तो मैं कभी ज़्यादा इतना ओपन नहीं करती, दोपहर को ही ओपन करती हूँ। शाम के टाइम में 7 बजे 6:30-7 बजे मैं एक विंडो खिड़की बंद कर देती हूँ, बाहर बालकनी की भी खिड़की बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मच्छर आते हैं, समझ में नहीं आता। और आजकल तो ये ठंड में पता है ये सब मलेरिया डेंगू इनका बहुत टेंशन होता है, और मेरे को खासकर अयान के लिए होता है। मस्कीटोज लगा के रखी है लेकिन फिर भी मच्छर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ऊपर मार रहा है। अरे वाह, हेलो हेलो, ये अभी आपको नहाने जाने देने वाला नहीं है अभी। ये गिर जाएगा आयु, पापा तो ऐसे कर रहे हैं, हमको आप रहने दो यार, ये आपके चक्कर में ये भी कर रहा है। अरे सीखेगा कब है ना ये, ले सीखेगा कब? वो आप सर में मार रहे हो बलून, तो उसको भी मारने को हो रहा है अभी। मारो, रुक जा रुक जा, लगेगा। ए देखना अभी, ए सर से करने की ट्राई कर रहा है। वो लाइट ऑन करो नहीं, वो साइड का। अरे वाह, वेरी गुड। चलो जब एक